नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 12 अगस्त और सबसे पहले तो जो है मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिन से जो है 11 अगस्त के बाद से हम लोग कोई एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई है और आकस्मिक व्यस्तता के कारण जो है रिकॉर्ड एक्चुअली PDF से तैयार कर लिया था लेकिन जो है रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल पाया, परिस्थितियाँ नहीं बनी ऐसी कि रिकॉर्ड कर पाते। तो लेकिन हम लोग जो है 12 अगस्त से अपने सारे आर्टिकल जो है कवर कर लेंगे और कोई किसी भी दिन का डिस्कशन हम लोग मिस नहीं करेंगे। तो चलिए 12 अगस्त के आर्टिकल देख लेते हैं। तो 12 अगस्त के जो है दो आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और कुछ सजेशन दिए हैं, और इसके अलावा दूसरा आर्टिकल जो हरियाणा के नूह में अभी कम्युनल वायलेंस हुआ था, धार्मिक यानी सांप्रदायिक हिंसा का मामला जो है उसको लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, तो वो आर्टिकल जो है इस मुद्दे के ऊपर है कि जब एक बार फिर से बुलडोजर जस्टिस करने की कोशिश की गई और कुछ लोगों के घर गिराए गए वहाँ हरियाणा में, तो हरियाणा के हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया उसको, और ऑथर जो है सुप्रीम कोर्ट का रोल और हाई कोर्ट का जो रोल है दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट लैगिंग बिहाइंड मींस पीछे छूट रहा है हाई कोर्ट से। तो इसमें दो टर्म इम्पॉर्टेंट हैं दोनों आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डिस्कस करने को नहीं है डिटेल में, लेकिन टर्म जो है दो, एक टोटलिटेरियन स्टेट, तो ये टोटलिटेरियन स्टेट ये PT वगैरह में आपसे कभी पूछा जा सकता है तो देख लीजिए कि टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट थ्योरेटिकली परमिट्स नो इंडिविजुअल फ्रीडम, जो किसी भी तरीके की इंडिविजुअल फ्रीडम अलाउ नहीं करती है, ऐसी गवर्नमेंट जो है उसको टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। और जिस स्टेट में ये इस तरीके की मींस इंडिविजुअल फ्रीडम पर बैन होगा तो उसको जो है टोटलिटेरियन स्टेट बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंडिविजुअल लाइफ के आस्पेक्ट होंगे वो सारे आस्पेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के द्वारा सबॉर्डिनेट किए जाते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में जो है आर्टिकल में डिस्कशन आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिए आप। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअल में देखिए 1978 में राजकृष्णा नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, तो राजकृष्ण अर्थशास्त्री जो हैं इन्होंने पहली बार इस टर्म का ऑफिशियली यूज़ किया, और वास्तव में उसके पहले नॉन ऑफिशियली जो है यूज़ किया गया है इसका, तो वो नाम जो है कुछ BR विट्ठल या BP विट्ठल ऐसा करके नाम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जो राजकृष्णा जी जो हैं, तो राजकृष्ण जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने 1978 में पहली बार ऑफिशियली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म का इस्तेमाल किया। और इस टर्म का मतलब क्या है, तो ये एक तरीके से आप समझिए कि एनुअल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की एनुअल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है बिफोर 1991 में भारत में आपको पता है रिफॉर्म किए गए थे LPG, तो उन LPG रिफॉर्म्स के पहले जो विकास दर थी GDP की, तो वो विकास दर 3% से 5% के बीच में ही रहती थी। तो उस 3% से 5% के बीच की जो GDP की ग्रोथ रेट है उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट। मींस ये देखिए लिखा हुआ भी है कि 1950s से 1980s के बीच में 4% का एवरेज रहता था लगभग GDP ग्रोथ रेट का इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में। ओके, इसके बाद आप देखिए कि आठवां जो 5-year प्लान था 1992 to 1997, ये देखिए ये पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि UPSC ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेती है, और ऐसे जो इम्पॉर्टेंट प्लान वगैरह में कहीं, जैसे जो 5-year प्लान्स हमारे चलते थे तो उन 5-year प्लान्स में कहीं कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट शिफ्ट करने की कोशिश की गई प्लानिंग में, तो ऐसी चीज़ों को UPSC हाईलाइट कर लेता है, स्टेटमेंट बना लेता है वहाँ से। जैसे आप देखेंगे यहाँ 8th 5-year प्लान में जो है इंडियन इकोनॉमी शिफ्ट करती है इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ, तो इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ शिफ्ट है आठवें पंचवर्षीय योजना से, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक बार जो है किसी पंचवर्षीय योजना से स्टेटमेंट बना करके UPSC ने अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये देख लीजिए आपकी 8th 5-year प्लान जो है 1992 से 1997 यानी कि आफ्टर LPG रिफॉर्म्स,
ये किया गया था किस लिए? फॉर मैनेजिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट लेड इकोनॉमी। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती थी इसके पहले, उससे ट्रांजिशन किया इंडियन इकोनॉमी ने मार्केट लेड इकोनॉमी की तरफ। देखिए 1991 के पहले क्या लाइसेंसिंग प्रक्रिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा औद्योगिक नीतियाँ भी उसके पहले जो नहीं, हालांकि औद्योगिक नीतियाँ वगैरह उसके बाद भी ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग का तरीका था तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था मार्केट के ऊपर। लेकिन आफ्टर 1991 जो है गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल हल्का किया, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी काफ़ी, जितने भी सेक्टर थे मैक्सिमम सेक्टर तो समाप्त कर दी गई, पहले कुछ सेक्टर बचाए, फिर बाद में लास्ट में जो है कुछ 6 सेक्टर बचे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने अभी भी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, मींस प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है नहीं एंटर कर सकता। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो MMDR संशोधन बिल आया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को जो है अमेंड किया गया अभी फिर से एक बार 2023 में, तो उसमें जो है 6 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए प्राइवेट कंपनीज़ भी अब जो है एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं, एक्सप्लोरेशन करने के बाद माइनिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ फील्ड्स में जो ऐसे मामले होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो सकते हैं उनका प्रोडक्शन, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, यूरेनियम है, तो इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास रिजर्व रखी हुई हैं। ठीक है, तो 1991 के पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी। तो आठवां जो पंचवर्षीय योजना थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना से सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट लेड इकोनॉमी की तरफ जो है भारत ने शिफ्ट किया थ्रू इंडिकेटिव प्लानिंग। प्लानिंग के दो टाइप होते हैं, एक इंडिकेटिव टाइप होता है, दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होता है। उसके बाद देखिए, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एक्सिलरेटेड एंड हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ अराउंड 3-9% सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगेन इन द 1990s विद द एक्सेप्शन ऑफ 2020। ये 2020 के अलावा बाकी टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी है 1990 के बाद से जो ग्रोथ रेट रही है वो 3-9% के बीच में रही है। GDP के आंकड़े जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और कुछ लोग जो है इस ग्रोथ रेट को नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है इसको नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। ये 2020 का जो लिखा हुआ है, 2020 को छोड़कर, तो 2020 में आपको पता COVID-19 आया, तो COVID-19 के टाइम जब लॉकडाउन किया गया तो लॉकडाउन के टाइम ग्रोथ रेट एक समय -23.8% मीन्स पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी, तो ग्रोथ रेट बची नहीं थी, उल्टा -23.8% ग्रोथ रेट थी। फिलहाल इस आर्टिकल को हम लोग जो है पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अब क्या आर्टिकल को जो है पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी जी जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो पहले तो है जो GDP के ग्रोथ के ट्रेंड्स हैं भारत में उनकी बात करते हैं। तो GDP का जो ग्रोथ रेट है इंडिया में वो 2015-16 से लगातार गिर रहा है, और 2015-16 से लगातार गिर रहा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसके पहले क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से जून 2020 के बीच में जो GDP ग्रोथ रेट था वो -23.8% था कंपेयर्ड टू द सेम पीरियड इन 2019-20। दूसरा, तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जो विकास की बात की जा रही है देश के अंदर, वो वास्तव में विकास जो है जो हिंदू रेट है वापस से एक बार उसी की तरफ फिर से पहुंचता जा रहा है। विकास मीन्स इनके कहने का मतलब ये है कि विकास एक्चुअल में केवल बातों में विकास हो रहा है लेकिन एक्चुअल में विकास हो नहीं रहा है। हिस्टोरिकल कंपैरिजन ये करते हैं, तो हिस्टोरिकल कंपैरिजन करने में बताते हैं कि PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, यानी 1991 से, देखिए PV नरसिम्हा राव के समय में जो है आर्थिक सुधार किए गए थे, और मनमोहन सिंह जी के समय आप जानते हैं 2004 से 14 तक जो है सरकार रही है, तो 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री रहे भारत के। तो कहते हैं कि 1991 से 2004 के बीच में जो GDP थी उसकी ग्रोथ रेट 6-8% एनुअली थी। और ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो स्टेट है, यानी जो
सरकार है उसने अपने पार्टिसिपेशन को मार्केट में से कम किया, घटाया। दूसरा, जो कैपिटल और लेबर है, लेबर है दोनों को इंसेंटिवाइज किया और हायर ग्रोथ की तरफ कंट्री को लेकर के गए। वर्तमान समय में क्या है कि 2016 से लगातार जीडीपी गिर रही है और सरकार ने पहले जो एक लक्ष्य तय किया था कि 2024 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन इसके लिए किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी को जो है निर्धारित नहीं किया है सरकार ने। तो इसके बाद ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं सरकार के लिए। रिकमेंडेशन देख के आप घबराइए मत, कुछ रिकमेंडेशन आपको अजीब भी लग सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो मतलब वो ये कहते हैं कि सरकार को जो है एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, मीन्स अपने टारगेट्स जो हैं उनको एकदम फिक्स करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना चाहिए और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। दूसरा सजेशन देते हैं कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसको ख़त्म कर देना चाहिए और जो GST है इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर और अर्नर दोनों जो है वो इंसेंटिवाइज होंगे। अच्छा, ये इसको लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है अजीब महसूस करें वो कि पर्सनल इनकम टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए, सरकार करेगी क्या? तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर्सनल इनकम टैक्स जैसी मीन्स टैक्स फ्री गवर्नमेंट हैं, जैसे बहामास है, केमैन आइलैंड है, और भी आप देखेंगे तो आपको कई सारे देश मिल जाएंगे। तो इसमें कोई जो है अचंभे वाली बात नहीं है। तो पर्सनल इनकम टैक्स और स्क्रैपिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर्स एंड अर्नर्स। तीसरा सजेशन ये देते हैं कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन को एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क्स एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है कमीन्स लोगों को कुछ ऐसे काम देने चाहिए जिससे उनकी आय हो और उस आय से मार्केट में डिमांड बढ़े ओवरऑल। जैसे दुनिया में अभी देख रहे होंगे आप कई सारे देश जो है मीन्स वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे मंदी की ओर जाने की कोशिश कर रही है। जैसे नीदरलैंड में मंदी आ भी गई है, तो नीदरलैंड में आई मंदी के साथ साथ अब धीरे धीरे करके दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मार्केट में डिमांड अगर जनरेट नहीं होगी तो फिर अर्थव्यवस्था जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी। तो एक सजेशन तो ये देते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर करेंसी प्रिंटिंग है, इसके थ्रू जो भी रिसोर्स मिलते हैं तो उन रिसोर्स को मोबिलाइज करे सरकार एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क्स एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा, जो सेविंग अकाउंट्स हैं उन सेविंग अकाउंट्स पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है थोड़ा बढ़ाए सरकार, ताकि जो है लोगों का सेविंग करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। और उसके बाद एक सजेशन ये देते हैं, रिकमेंड्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। कि जो MSME इंडस्ट्री है यानी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है, तो इस इंडस्ट्री को 6% से कम के यानी मैक्सिमम जो है 6% तक के इंटरेस्ट रेट पर जो है सरकार को लोन देना चाहिए। हालांकि इन सजेशंस का आप जो है बहुत ज़्यादा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी सजेशंस हो सकते हैं, आप थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो इसके हिसाब से जो है एक नई आर्थिक नीति की ज़रूरत है भारत को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मार्केट को डीरेगुलेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार जो है पूरी तरीके से मार्केट को छोड़ दे, ठीक है। मीन्स उनके कहने का मतलब ये है कि मार्केट सिस्टम को डीरेगुलेट करने का मतलब सरकार का पूरी तरह छोड़ देना नहीं है, कुछ नियम कायदे कानून मीन्स मिनिमम से मिनिमम अपने हस्तक्षेप को रखे मार्केट में। एग्जांपल देते हैं वो चाइना के, कि इवन चाइना की इकोनॉमी जब ने भी जब ट्रांजिशन किया डेंग जियाओपिंग के टाइम पर, तो डेंग जियाओपिंग के टाइम पर कहते हैं कि चाइना को भी अपने ट्रांजिशन के दौरान ये बात पता थी कि उसे मार्केट में जो है अपने इंटरफेरेंस को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा या बिल्कुल कम करना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमी जो है वो मार्केट बेस्ड सिस्टम पर चल पाए। मार्केट बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस फिक्सिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट लेड हो जाएं, उन पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना रहे। तो ये ओवरऑल जो है आर्टिकल था, और ऐसे कोई पॉइंट जो है विशेष डिस्कस करने को है नहीं, बाकी आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा।
चलते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला आर्टिकल जो है, देखिए अभी हम लोगों ने जो आर्टिकल देखा है ओवरऑल, इसकी समरी आप एक बार समझ लीजिए कि इन समरी द आर्टिकल डिस्कसेस द डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया, कंपेयर्स हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स कि पीछे जो है क्या ग्रोथ रेट्स रही हैं भारत की, उसके बाद जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इस समय उनको एक तरीके से उनकी आलोचना की है इन्होंने, और उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं वो सुझाए हैं सरकार को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए विद अ फोकस ऑन क्लियर गोल्स, डीरेगुलेशन और मार्केट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करने का, और जो इंटरवेंशन करें भी मार्केट में तो काफ़ी बैलेंस्ड वे में जो है इंटरवेंशन करें। उसका हमारा जो है अगला आर्टिकल, ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए, आपके पॉइंट्स वाइज देख लीजिए, सो पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो हरियाणा में हिंसा हुई गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और जो वायलेंट क्लैशेस थे वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ, साथ ही में जो है एक टेंस सिचुएशन भी क्रिएट हो गई। और कहते हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने पीस को रीस्टोर करने की जगह इस बात को प्रायोरिटी दी कि टारगेटेड डिमोलिशंस करने लगे, मींस जो है प्रशासन ने जो है जो बताया कि कुछ घर जो अवैध बने हुए हैं उन घरों को गिराने लगे। तो कोर्ट ने उसमें कई सारे सवाल फिर उनसे पूछे कि ये जो भी आप कर रहे हो तो घर तो बहुत सारे अवैध बने हुए लेकिन कुछ चुनिंदा घरों को ही तोड़ने का क्या मतलब है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है कोर्ट ने उनसे पूछे। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि टारगेटेड डिमोलिशन जो है प्रशासन ने वहाँ पर करने की कोशिश की, तो एक तरीके से इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानते हैं कि ये जो है प्रशासनिक विफलता रही और प्रशासन अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में विफल रहा। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे किसी मामले में जो है संज्ञान नहीं लेता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, उनका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इस मैटर में सुओ मोटो मीन्स स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, हस्तक्षेप करना चाहिए था। और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एक बार जो प्रशासन है या जो सरकार है उसकी जवाबदेही तय करने की मांग करती दिखाई देती हैं दोबारा से, कि सरकार की और प्रशासन की जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और ये जब देखिए प्रशासन, जैसे सरकार के मतलब तीन अंग होते हैं आपने देखा है, तो कौन कौन से, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है, विधायिका है। तो तीनों ही जो है अपने अपने काम को स्वतंत्र रूप से करते हैं पर एक दूसरे को साथ ही साथ में नियंत्रित भी करते हैं। तो यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिखता है या फिर जो व्यवस्थापिका है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जब फेलियर दिखाई देता है तो उस फेलियर को कंट्रोल करने के लिए इनका मानना है कि न्यायपालिका को आगे आना चाहिए था, और ऐसा नहीं कि ये जो टारगेटेड डिमोलिशन या फिर जो है बुलडोजर से घर गिरा देना, इंस्टेंट जस्टिस करने की कोशिश करना प्रशासन के द्वारा, तो ये ऐसा नहीं कि केवल अभी हरियाणा में कोई ऐसा पहला वाक्या है, इसके पहले ऐसे कई सारे वाक्य जो है उत्तर प्रदेश में भी घटित हो चुके हैं। तो इनका कहने का मतलब ये कि इस तरीके के जो इंस्टेंट जस्टिस के मामले हैं कि मनमाने तरीके से प्रशासन खुद से जस्टिस अगर कर दे रहा है कहीं, तो ये दोनों तरीके से ही गड़बड़ है। एक तो अपना काम, अपने जो उनका काम है उस काम को छोड़ के गलत तरीके से अपनी सीमा तोड़ के न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा ये कि जब प्रशासन खुद ये काम करने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के जो तीन अंग हैं, जो संपूर्ण व्यवस्था के तीन अंग हैं, उन्हें पारस्परिक विश्वास नहीं रह गया है। अगर सरकार को इंस्टेंट जस्टिस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका पर सरकार को खुद भरोसा नहीं रह गया, वो उसे लगता है कि सरकार जो न्यायपालिका जो है समय पर न्याय कर ही नहीं पाएगी। और वो कोर्ट आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि देर से मिला न्याय जो है वो अन्याय के बराबर होता है। तो ये दोनों ही बातें जो है वो कहीं ना कहीं समाज में जो है मीन्स अच्छा संदेश नहीं जाता है इन चीज़ों का। और लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब नूह में ऐसा मामला आता है तो पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कदम उठाया और उसमें इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर करने के बाद जो है सरकार से कई सारे सवाल पूछे, प्रश्न चिन्ह लगाए सरकार की कार्यवाहियों पर। सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। ये काफ़ी जो है चिंता का विषय है उनके अनुसार। और हाई कोर्ट्स के लिए जो है आप जानते हैं आर्टिकल 226 के अंदर जो है हाई कोर्ट का जो रिट का दायरा होता है, जो आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है जिसमें 5 तरीके की रिट जारी की जा सकती हैं, तो उन 5 तरीके की रिट्स में जो हाई कोर्ट है उनका जो मूल क्षेत्राधिकार है तो प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ज़्यादा है उन रिट्स को लेकर के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का उतना ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो आर्टिकल 226 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को, और हाई कोर्ट के जो बोल्ड मूव हैं या हाई कोर्ट जो भी प्रयास करता है, देखिए भारत में भारतीय न्यायपालिका में जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है ये अभिलेखी न्यायालय हैं, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। इनके जो फैसले होते हैं उन्हें नज़ीर की तरह लिया जाता है, उन्हें एज ए प्रिसीडेंट सेट किया जाता है, उदाहरण के तौर पर लिया जाता है, मीन्स वो अपने आप में कानून का काम करते हैं। तो एक तरह से आर्टिकल 226 जो है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स को एम्पावर करके न्याय व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने का काम करता है। कुल मिलाकर के लास्ट में ऑथर ये कहते हैं कि एक बार न्यायपालिका को जो ज्यूरिस्ट, जो बेस्ट ज्यूरिस्ट हैं, जो मतलब कि एक तरीके से न्यायपालिका में अभी तक कोई उदाहरण स्वरूप जो निर्णय लिए गए हों या जिन जजेस के द्वारा लिए गए हैं, तो एक बार न्यायपालिका को वापस से उन ज्यूरिस्ट प्रिंसिपल्स की तरफ वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस इस तरीके के संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका की असंवेदनशीलता सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो इसके साथ जो है हमारा आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। दो आर्टिकल ही थे डिस्कस करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।